ग्रेट ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस बच्चा. थैंक यू सो मच मैम। चलो चलो, सो हाउ डू यू फील नाउ स्वाति? कांट बिलीव इट टिल सो नाउ। लेट्स सी व्हाई यू कांट बिलीव. सो डॉक्टर स्वाति हैज सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 25, एम आई राइट स्वाति? यस मैम। इन INICT November 24. दिस इज एब्सोल्युटली ऑसम एंड वी आर so so proud of you Swati. Congratulations. And थैंक यू Swati has सो मच been मैम। a 3 year student with us. Swati, यस मैम, wonderful एक्चुअली wonderful, 4 years नाउ four आई हैव years जॉइन द so TND कोर्स। all is well that ends well, isn't it? यस मैम। अच्छा स्वाति, अभी आप मुझे बोल रहे थे कि यू कैंट बिलीव इट, है ना? सो लेट मी नो व्हाई व्हाई कैंट यू बिलीव इट. आई एम श्योर दैट यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड यू वर्क्ड वेरी वेरी हार्ड, नॉट जस्ट टुडे, नॉट जस्ट यस्टरडे, बट फॉर लास्ट 3 4 years, राइट? सो लेट मी नो समथिंग अबाउट योर जर्नी. एक्चुअली इंटर्नशिप वॉज क्वाइट हैक्टिक फॉर मी। एक्चुअली इट्स फॉर ऑल बट एवरीबडी परसीव्स इट डिफरेंटली। फॉर मी फिजिकल वर्क इज नॉट माई थिंग, सो आई यूज टू गेट वेरी टायर्ड एंड वेरी यू नो अबाउट ड्यूटीज। आई यूज टू गेट वेरी वरीड, सो आई कुड नॉट फोकस ऑन माई स्टडीज देयर। सो आई ट्राइड, सो आई डिसाइडेड इन इंटर्नशिप दैट आई विल गिव माई बेस्ट शॉट आफ्टर इंटर्नशिप ओनली। सो आई गेव बेस्ट 6 months ऑफ प्रिपरेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे आई जस्ट गॉट होम एंड नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड स्टडी। That's wonderful, and you could do this well, right? So this is absolutely amazing, and it is overwhelming. And the best thing is that you know about yourself. You know where to put in the efforts and where you lack, and you could use those things to your benefit. अच्छा स्वाति, अब मुझे ये बताओ कि पढ़ाई की जर्नी कैसे शुरू हुई थी? आई एम श्योर व्हेन यू स्टार्टेड 4 years बैक, तब हमने ऐसे इतने एग्जाम के बारे में नहीं सोचा होगा ना. तो तब से लेकर अब तक व्हाट हैज बीन योर स्ट्रेटजी? मैम ड्यूरिंग थर्ड ईयर व्हेन आई जॉइंड, मेन मोटिव तो तभी यही होता है कि अच्छे से अपने नोट्स बनाओ और जो जो प्रोफ आता जा रहा है उनको नोट्स से कवर करो। और वो दैट्स राइट. बेसिकली दोनों दोनों तरीके से हेल्पफुल हो जाता है, प्रोफ में भी और बाद के लिए भी। सो इवन इफ आई वॉज स्टडिंग फॉर फर्स्ट, दैट वॉज माई सो कॉल्ड फर्स्ट रीड आफ्टर इंटर्नशिप, बट आई रेड दोज थिंग्स 2 to 3 times बिफोर। Yes, because सो you had read them for your professional exams, है ना? Yes. I almost did all subjects from DAMS only, prof oriented also. Very good, wonderful, wonderful, Swati. अच्छा स्वाति, मुझे ये बताओ कि when did we start giving tests and when did we start analyzing ourselves? And then I'll ask you about last 6 months also. But हम जब as you said, जब आप undergraduate years में थे, you were like focusing on making notes and reading them thoroughly and then preparing for your professional exams, है ना? So when did we seriously start thinking about MCQ practice as well? Because the final exam is in the form of MCQs. एक्चुअली मैम, व्हेन देयर वाज फर्स्ट और सेकंड लॉकडाउन आई डोंट रिमेम्बर कंप्लीटली, बट आई ऑलमोस्ट कंप्लीटेड फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स एंड 2 or 3 ऑफ थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स। एमसीक्यू डैम्स का डीक्यू भी मैंने कर लिया था तभी, बट फिर इंटर्नशिप में आई गोट लॉस्ट, यू कैन से दैट आई डिडंट डू एमसीक्यूज एंड ऑल। बट दिस लास्ट 6 months आई पुट दैट मच एफर्ट आई कैन पुट, तो मैंने वहीं पे सब कुछ किया है 6 months। बहुत अच्छा. आप ये बताओ स्वाति, बिकॉज यू कुड मेक इट हैपन इन 6 months, एंड दैट इज आई थिंक इट इज एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर एनीबडी हु इज इवन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. सो नाउ लेट अस नो व्हाट एग्जैक्टली वाज योर स्ट्रेटजी इन दीज लास्ट 6 months स्वाति. मैम आई ऑलमोस्ट पुट 3.5 months इन माई फर्स्ट रेट। ड्यूरिंग दैट टाइम आई कंप्लीटेड द क्यू बैंक एंड ऑल्सो जस्ट आफ्टर 2 months ऑफ माई रीडिंग आई स्टार्टेड गिविंग ग्रैंड टेस्ट एट अराउंड 15-20 days गैप। बेसिकली ऑल द बेसिकली उसी रेट से आते हैं वो GTs 15-20 days के बाद ही, तो वो सारे देती थी मैं, फिर अच्छे से उनको रिव्यू भी करती थी। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे आप रिव्यू कैसे करते थे स्वाति, और क्या स्पेसिफिक, क्योंकि आपने बोला कि पहले 2.5 months या 3.5 months आप अगेन यू आर विद योर नोट्स ओनली, आप उन्हीं को थरो करते थे और फिर आपने जीटी शुरू किए, है ना? तो इसका मतलब
कंटेंट को आप अभी भी प्रायोरिटी ही दोगे, बिकॉज लुकिंग एट दिस पेपर, ये पेपर काफी डेप्थ में पूछा गया है, एंड उसमें अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, अगर वो डेप्थ में नहीं होगा, स्पेशली फॉर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि PYQs तो ज्यादा आ नहीं रहे हैं, PYTs आ रहे नहीं हैं, नहीं और जो टॉपिक भी है वो डेप्थ में आ रहे हैं. तो क्या आपको भी लगता है कि एनीबडी हुज प्रिपेयरिंग फॉर INICT, क्या आपको लगता है कि उनको भी अपने नोट्स, अपने कंटेंट को अच्छा स्ट्रेंथ में उन कन्वर्ट करना चाहिए? मैम, दैट्स फॉर श्योर. बिना नोट्स के कंटेंट के यू कांट गेट रैंक्स लाइक दिस. यू कैन गेट, आई वोंट से एग्जैक्टली, बट जो रैपिड रिवीजन कोई भी कोर्स होता है, या फिर एवरीबडी थिंक्स कि 2 महीने में सारा कवर कर रहे हैं, तो बेसिकली शॉर्टकट जो होता है वो देखने में अच्छा लगता है, बट इट्स नॉट सो हेल्पफुल. इट्स फॉर ओनली योर रिविजन पर्पज. इफ यू हैव गोन थ्रू द होल सिलेबस थरली, देन इट इज यूजफुल फॉर यू, नॉट फॉर जस्ट यू आर रेटोफाइंग द लास्ट रिविजन का जो एवरीबडी कीप्स जस्ट वो सोचते रहते हैं ना कि उसी में हो जाएगा. सबको लगता भी है, बट बिना नोट्स के, कंप्लीट नोट्स के कुछ हो नहीं सकता है, ये हाँ, तो ये श्योर है. एग्जैक्ट बात का प्रूफ है कि आपको डेप्थ ऑफ कंटेंट आना चाहिए. और दूसरा, मोर देन PYQs और ऐसी चीजें, आपको एग्जाम स्किल, हाउ टू रूल आउट ऑप्शंस एंड हाउ टू रूल इन ऑप्शंस, क्योंकि हो सकता है यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट एवरी ऑप्शन, मगर वंस यू रूल आउट टू एंड यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू, ये एग्जाम ऐसा था कि देन यू शुड यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर बेसिक नॉलेज टू सी कि उस क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा है कि इन दोनों में से आंसर कर पाए. जो मुझे लगता है टेस्ट और उसके एनालिसिस से आता है ना स्वाति? तो अब मुझे उसके बारे यस में भी मैम, थोड़ा बताओ. कंटेंट आपने मुझे बताया, मगर MCQ स्किल, टेस्ट और उसका एनालिसिस, टेस्ट उसके वीडियोस देखो, उसमें कहाँ गलती करी है, जैसे हम आपके TND में वीडियो डिस्कशंस करते हैं, है ना? तो अप्रोच ऑफ MCQ इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी एमसीक्यू को करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू नो द कंटेंट. बट समटाइम्स आपको टॉपिक पता है कि वो कहाँ से आ रहा है, बट हाँ जी, वन और टू ऑप्शन आर लाइक दिस कि वो सब ऊपर से जा रहा है, कोई आइडिया नहीं है उसका. लेकिन जो तुम्हें पता है ऑलरेडी, दो ऑप्शन उसके बेसिस पे हो जाएगा. अपने हाँ जी, इंस्टिंक्ट पे उस वक्त बिलीव करना है और वो हो जाएगा बस. डेफिनेटली. इसीलिए कहते हैं जब एक आपकी बेस अच्छी है, उसके बाद यू शुड गो विद योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, यू शुड लुक एट कीवर्ड्स, यू शुड सी कि कोई इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करिए तो उसका कोई रीजन होगा, कुछ वो आपको बताना चाह रहे हैं. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस कीवर्ड्स एंड देन गो विद योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट. आई थिंक दैट्स वेरी वेल सेड. स्वाति, कैन यू ऑल्सो लेट अस नो कि आप आपका GT एनालिसिस कैसे करते थे? आपने बताया इंटरवल, तो आपने बता दिया आप 15-20 डेज के इंटरवल पे करते थे, है ना? मैम, डैम स्किप तो बेसिकली मैं बोलूं कि जीटी करने में मजा ही आता है कि उसके वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं. यू डोंट हैव टू रीड दोज लॉन्ग पैराग्राफ्स कि जहां पे रिव्यू करने में उतना टाइम लग जाता है जितना उसके जीटी देने में टाइम लगता है. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. राइट. एंड मुझे जानना है कि आप सारे 19 सब्जेक्ट्स को एक साथ रिव्यू करते थे, या आप उनको ब्रेक डाउन करते थे, कुछ सब्जेक्ट्स को रिव्यू करते थे? डिड यू टेक अ लॉन्गर टाइम? हाउ डिड यू मैनेज दैट? मैम, एक्चुअली वो टाइम पे डिपेंड करता था. अगर कम टाइम है, अगर ऑलरेडी कोई अपने डेली का टारगेट बनाया हुआ है उसको भी अचीव करना है और साथ में जीटी भी रिव्यू करना है, तो रात को सोते टाइम 2 या 3 सब्जेक्ट्स का देख लो ऐसे करके. अदरवाइज टाइम है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर सारे एक साथ 5-6 को देख लो सब्जेक्ट को. That's right. अच्छा, अब मुझे ये भी बताओ कि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो यू नो यू मूविंग ऑन फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट, तो ऐसा लगता है कि जो सबसे पहले पढ़ा था वो भूल गए, है ना? तो इस चीज को हम कैसे केटर करते थे? मैम, एक्चुअली मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि यू गिव 2 to 3 hours अ डे फॉर द सब्जेक्ट यू हैव डन वेरी लॉन्ग बैक, बट मुझसे वो हो नहीं पाया. मैंने मैंने बेसिकली वो पूरा 3 सीक्वेंस है. एक्चुअली आई एम क्वाइट, जो होता है ना कि शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं, ये होना चाहिए, हाँ ये वो जी, होना चाहिए, तो उसी में ये था कि 3 बार पूरा सिलेबस करना है तो करना है, फिर पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक करना है तो करना है. बस वैसे ही 3 रीड हुए हैं मेरे तो. दैट्स राइट. बाकी लास्ट के 15 डेज में आई डिड PYT सेशंस एंड बेसिकली दोज प्रिडिक्टर सीरीज एंड DVT. आई ऑल्सो फिल्ड अप माई DVT ड्यूरिंग माई सेकेंड रीड एंड आई जस्ट रेड दैट इन माई लास्ट 4-5 डेज. यस, बिकॉज लास्ट के मुझे लगता है 10 दिन ऐसे होते हैं जिसमें यू हैव टू रीड ऑल 19 सब्जेक्ट्स, मगर आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते. दिस इज द टाइम
when you have to read things which are important, which are volatile for you, और अगर आपको लगता है कि आपका कोई वीक जोन है, तो डीवीटी पीवाईटी सेशन दे हेल्प यू एक्चुअली चैनलाइजिंग इट क्लोज टू द एग्जाम व्हेन यू नीड टू गो वेरी इंटेंसिव. अच्छा स्वाति, मुझे ये भी जानना है बेटा, एनीबडी हु इज स्टार्टिंग प्रिपरेशन नाउ है ना फॉर मे एग्जाम, उनको आप क्या बताओगे कि कैसे स्ट्रेटजी करें, कैसे प्लान करें, हाउ दे शुड प्रोसीड? बेसिकली मतलब लोग सोचते हैं कि जैसे कि कोई शॉर्ट सब्जेक्ट है लाइक FMT एंड ऑल, इनसे 4-5 ही क्वेश्चन आने हैं. मतलब सब्जेक्ट छोड़ना तो अफोर्ड नहीं कर सकते हम. इस लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं. तो एक तो वो मतलब माइंड बनाना होगा कि सारे 19 कवर करने ही हैं. और मुझे लगता है बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है स्वाति, क्योंकि अब पेपर भी स्क्यूड आ रहा है, यू नेवर नो कि कौन से सब्जेक्ट से पिछली बार हो सकता है 2 ही क्वेश्चन आए और इस बार 6 आ जाए, एंड देन दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस राइट. यस मैम. और कई कई सब्जेक्ट्स मतलब बेसिकली लाइक एनाटॉमी वगैरह से लोग बहुत ऐसे डरते हैं कि नहीं करना भाई, वो तो नहीं हो पाएगा. लेकिन उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बस तुम्हें आता है तो आता है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. तो वो हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं. तो ओके एंड अभी किसी भी अगर हम सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है, तो एक तो हो गया सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, कोई प्रेफरेंस है कौन से सब्जेक्ट से पहले शुरुआत करनी है, कौन से को बाद के लिए रखना है, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द INICT TND दैट वी यूजुअली रन आफ्टर द नवंबर एग्जाम्स है ना, दिसंबर से हम लोग शुरू करते हैं अंटिल मई एग्जाम के लिए, तो क्या लगता है क्या अप्रोच रखते हैं? मैम बेसिकली नोट्स तो रीड करने ही पड़ेंगे, चाहे आप कभी से ही स्टार्ट करो. ये इसका तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं कि हाँ कहीं जी कहीं से कोई शॉर्टकट मिल जाए, ये सब मिल जाए. लेकिन ये कि हो सकता है, इवन इन 2.5 मंथ्स यू कैन रीड योर नोट्स वंस. फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग 1.5 मंथ्स में हो सकती है. लास्ट में मैंने अपना पूरा सिलेबस, आई डोंट इवन बिलीव दैट आई कवर्ड इट इन 21-22 डेज, होल सिलेबस, होल 19 सब्जेक्ट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉट लीविंग इवन अ वन टॉपिक. दैट्स सो वंडरफुल. दैट द कॉन्फिडेंस वो तभी आता है तब आपने अपने नोट्स थरोली पढ़े हों. अदरवाइज शुरू में मतलब कि आप फर्स्ट रीड में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि 1.5 मंथ्स में सब कुछ हो जाएगा. इट टेक्स टाइम. हाँ फर्स्ट रीडिंग इट इज इम्पोर्टेंट आप थरली करें, सिर्फ सुपरफिशियली ना करें, बिकॉज एज स्वाति सेड, एज वी टॉक टू टैंकवान ऑल्सो, उसने भी बोला कि डेप्थ भी आनी पड़ेगी, जैसे आपने बोला कंटेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा है ना, सो दैट इज एब्सोल्युटली राइट. सो ऐसा मत करो कि फर्स्ट रीडिंग को बहुत कॉम्प्रोमाइज करो इन ऑर्डर टू जस्ट गो फास्टर. मैं बहुत बार ये बोलती हूँ, टेक योर टाइम, बट फिर भी बहुत ज्यादा नहीं. Then plan your further revisions in a fast mode. एक्चुअली मतलब कि मैंने देखा कि कुछ लोग फर्स्ट रीडिंग में बहुत ज्यादा भी टाइम दे देते हैं, तो फिर उनका रिवीजन का टाइम कम रह जाता है. तो बेसिकली एक खुद से एक बैलेंस रखना पड़ता है कि कितना देना है टाइम और कितना नहीं देना है. उसको बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं कर सकते हैं और बहुत ज्यादा स्लोली भी नहीं कर सकते हैं. Right. ओके परफेक्ट, परफेक्टली सेड स्वाति. एंड एनी लास्ट मिनट एडवाइसेस, पेपर के बारे में कुछ बताना चाहोगे आपकी, कौन से सब्जेक्ट्स मुश्किल लगे, या क्योंकि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, आपने कितने अटेम्प्ट किए, व्हाट वाज योर पेस, कोई ऐसा सेट था जिसमें आपको मुश्किल हुई इन टाइम मैनेजमेंट, या कोई सेट जो डिफिकल्टी में बिल्कुल ही अलग था? एक्चुअली एज वी ऑल नो, एग्जाम सेंटर में बैठने के बाद कुछ पता नहीं लगता कि वो 3 आवर्स कैसे गए हैं. बट आई विल डेफिनेटली से कि जो फर्स्ट सेट होता है उसमें यू डोंट नो कि कैसा पेस रहने वाला है, किस स्पीड पे जाना है. डेफिनेटली जो सेक्शन फर्स्ट होगा दैट दैट विल बी गोइंग टू बी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द लास्ट वंस. इवन वहां पे आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहे होंगे तो आपका इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका होगा कि हाँ ये चल रहा है, सही पेस में चल रहा है. तो बस जो फर्स्ट सेक्शन है उसके अंदर अपना जो काम है वो अच्छे से बनाए रखना है और उसमें कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है कि भाई नहीं आए इसमें तो 5 नहीं आए तो आगे कुछ भी नहीं हो रहा है. तो अब इन्होंने ऐसा एग्जाम रख दिया है कि 45 मिनट्स वाला है, तो इसमें बेसिकली इम्पल्सिवली हम आंसर दे, इसके चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं बेसिकली रीजनिंग रीजनिंग के कंपैरिजन में. तो दे आर और टेस्टिंग दैट आल्सो. आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे स्वाति? माय टारगेट वाज टू अटेम्प्ट 190 प्लस, बट आई कुड नॉट अटेम्प्ट, आई अटेम्प्टेड 188.
Okay, that is a fair number. That is a fair number looking at the type of questions. और क्या लगता है कितने सही हुए होंगे स्वाति? Actually, in GTs, I got around between 160 to 170, sometimes 170 plus also. I think I got somewhere between 160 to 170 here also. That's wonderful. That's wonderful, Swati. I'm so proud of you and so happy for you as well. और अब मुझे थैंक ये यू सो बताओ कि मच कौन मैम. सी ब्रांच परस्यू करने वाले हो आप? मैम आई वॉन्टेड टू टेक रेडियोलॉजी फ्रॉम इवन मतलब कि पहले से सोचा हुआ था कि रेडियो लेनी है, बट फिर होता है कि सब अपने रैंक पे कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, तो अब रैंक नहीं आ नहीं गई है तो नहीं लग रहा है मिल जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल अपना ऑर्डर बना लो. बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई जस्ट होप यू परस्यू द ब्रांच ऑफ योर चॉइस एंड यू स्टे हैप्पी. सो ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू फॉर मेकिंग डैम्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी स्वाति. वी आर सो हैप्पी फॉर यू. थैंक थैंक यू सो मच मैम. यू बच्चे. गॉड ब्लेस. टेक केयर. थैंक यू मैम.